तो जो 100 रुपये की चीज़ है यहाँ पर 100 रुपये किलो। यू हैव 10 लाइव्स 9 लाइव। शतितोरिया मुरत पोपतानी या 30 रुपये किलो। तरबूज है, कैफेज भी हैं बाकी यूरोप की तरह, लेकिन गाइज हेलो फ्रॉम टिराना सिटी। आज मेरा पहला दिन है टिराना में और मेरे पीछे मेरा हॉस्टल है, द इंग्लिश हॉस्टल। हॉस्टल आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले चलते हैं किसी टूरिस्टिक प्लेस। ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको रोड साइड से ही मिल जाएंगे। कैफ़ेज़ भी हैं बाकी यूरोप की तरह, लेकिन ये अपने बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा गरीब छोटा भाई लग रहा है मेरे को, उतना एडवांस्ड नहीं है ये। ये आप देखिए फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स 30 रुपये किलो। तरबूज है, 50 रुपये किलो खरबूजा, 180 रुपये के ग्रेप्स हैं। यहाँ की जो करेंसी है वो इस हिसाब से है कि यहाँ के 100 लेक्स इज़ इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज़। तो जो 100 रुपये की चीज़ है यहाँ पर 100 रुपये किलो, वो हो गया इंडिया के हिसाब से 70 रुपये किलो। चलिए अब आपको घुमाने ले चलता हूँ। तो गाइज आज का प्लान ये है कि स्कंदर बैग स्क्वायर है यहाँ पर एक, और उसी के आसपास सारी लोकेशंस हैं, म्यूजियम्स हैं, बाकी जो भी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर, कुछ मॉस्क्स भी हैं। तो मैं पहले सीधा जा रहा हूँ स्कंदर बैग स्क्वायर और वहाँ से कवर करते हुए वापस आऊँगा अपने हॉस्टल की तरफ, फिर दिखाऊँगा आपको अपना हॉस्टल और शाम को बाकी अट्रैक्शंस। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मेन स्क्वायर, द सेंटर ऑफ द सिटी, नमाज़गा मॉस्क। ये पूरे बल्कन्स की लार्जेस्ट मॉस्क है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। इसका डिज़ाइन काफ़ी टर्किश है और इसको फंड भी टर्की ने किया है, आप देख सकते हैं ब्लू मॉस्क जैसी है ये। ये आप स्कंदर बैग स्क्वायर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है टोपतानी शॉपिंग सेंटर। कॉमन सा शॉपिंग सेंटर लग रहा है, इसलिए मैं अभी इसके अंदर तो जाना पसंद नहीं करूँगा, बाद में देखता हूँ इसको, मन करा तो शाम को आऊँगा यहाँ पर। और ये टोपतानी सेंटर क्रॉस करते ही है टिराना कैसल, या इसको बोल सकते हो आप फोर्ट्रेस ऑफ जस्टिनियन। इसके अंदर बस अब कैफे बास एट्सेट्रा ही हैं, फोर्ट जैसा इसमें कुछ बचा नहीं, बट ये भी इसका एक अच्छा यूज़ है और इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से, दिखाऊंगा आपको कौन कौन से कैफ़ेज़ बार्स एट्सेट्रा हैं इसमें। बाकी अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिटी का मेरा जो फेवरेट पार्ट है। ये जो स्ट्रीट है या बुलेवार्ड बोल सकते हैं आप इसको, इस स्ट्रीट को बोलते हैं शतितोरिया मुरत तोपतानी या फिर रूगा मुरत तोपतानी, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो स्ट्रीट है दिस इज़ फुल ऑफ बार्स एंड कैफ़ेज़, जैसे कि मैंने आपको पीछे वो फोर्ट ऑफ जस्टिनियन दिखाया था। लेकिन यहाँ पर घूमना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये एकदम से ग्रीन है और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ग्रीनरी आपको दिखेगी और यहाँ पर बैठकर आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर म्यूज़िक भी चलता रहता है और जैसे ही इसका एंड आएगा स्ट्रीट का, ये ज़्यादा लंबी स्ट्रीट नहीं है, 200-300 मीटर्स होगी, और जहाँ पर ये एंड होता है इसका, तो एक तरफ है नेशनल म्यूज़ियम और दूसरी तरफ है बंक आर्ट।
बंकार्ट मतलब बंकर हैं यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू के, उसका भी एक टूर मैं आपको दूंगा। लेकिन एक तरफ नेशनल म्यूज़ियम, और अगर जो आप राइट साइड में चले जाएंगे स्ट्रीट ख़त्म होते ही, तो आप पहुँच जाएंगे स्कंदरबैग स्क्वायर। इन्जॉय कीजिए ये वाली स्ट्रीट आप। बुलेवार्ड ख़त्म होते ही ये लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई दे जाएगा नेशनल आर्ट्स गैलरी, या नेशनल म्यूज़ियम बोल लीजिए इसको आप, अगर जो आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, और वो भी स्पेशली कम्युनिस्ट एरा के, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, अभी ये बंद है इसलिए आप बाहर से इसको देख सकते हैं, और अगर खुला होता तो भी शायद मैं इसमें एंट्री नहीं करता, क्योंकि इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं मैं म्यूज़ियम विज़िट करने में। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है द क्लाउड ऑफ सू फुजीमोटो। जी ये बिल्कुल क्लाउड जैसा दिखता है, आप देख सकते हैं। और ये जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर, ये डोनेट किया था एक जैपनीज़ आर्टिस्ट ने, जिनका नाम था सू फुजीमोटो, और अभी इसको डिस्प्ले पे रखा गया है सिटी सेंटर में। और इसकी खासियत ये है, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं और इसको क्लाइम भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, जिन लोगों को बादलों में उड़ने की तमन्ना होती है वो यहाँ आकर अपनी तमन्ना पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पर होती हैं छोटी मोटी परफॉर्मेंसेज, मूवी नाइट्स एट्सेट्रा। ये एक कूल एग्जीबिशन है, आप अगर जो तिराना में हैं तो प्लीज़ चेक दिस आउट। You have 10 lives. You have 10 lives. 9 lives of cat and 1 life yours. You have 10 lives, not 9. क्लाउड बुलेवार्ड के लेफ्ट में था, और बुलेवार्ड से राइट लेते ही आ जाती हैं ये मिनिस्ट्रीज़, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ इंटरनल अफेयर्स। आप ये दो बिल्डिंग्स जैसे ही क्रॉस करते हैं अपने राइट में देखते चलिए, ये जो रेड कलर की बिल्डिंग के सामने आपको एक इग्लू जैसी शेप दिखाई दे रही है, एक्चुअली दो हैं आप देखिए, एक थोड़ा ट्राइंगल जैसी है और एक उसके बिल्कुल पीछे इग्लू जैसी शेप जो आपने देखी है अभी, यही हैं बंकर आर्ट्स टू, जिनका टूर मैं आपको एक सेपरेट टूर दूंगा। और ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल, लेकिन आप सीधे चलते जाएं टूवर्ड्स स्कंदरबैग स्क्वायर। तो पहुंच चुके हैं आप मेरे साथ स्कंदरबैग स्क्वायर, और ये स्टैचू है स्कंदरबैग की। ये एक अल्बेनियन हीरो हैं जिन्होंने ओटोमन अम्पायर के अगेंस्ट फाइट करी थी। और ये जो आप मॉस्क देख रहे हैं, इस मॉस्क का नाम है एथम बे मॉस्क। इसी के साथ में पीछे क्लॉक टावर है, वो भी आप वीडियो में देख पाएंगे। वो बेले हाउस है, और सामने है हिस्ट्री म्यूज़ियम। ये मैं आपको एक वॉक लूँगा इसके राउंड, तो आप तब इसको देख पाएंगे। एंजॉय द स्क्वायर, एंजॉय योर टाइम।